फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरसों है मस्टर्ड, उसकी थ्रेसिंग की जा रही है मजदूरों के द्वारा और मशीन चल रहा है यहाँ पर खेत के अंदर। और यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो सरसों का जो अपशिष्ट खोखला बोलते हैं जिसे खाखला तूड़ी, उसी के हिसाब से निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो मशीन और मजदूर हैं ये सारे ट्रैक्टर वाले के तरफ से हैं, किसान का यहाँ पर कुछ नहीं है। किसान ने सिर्फ आप देख सकते हैं कि कटाई करके इकट्ठा कर दिया है, बाकी जो ये मशीन वाले हैं इनको थ्रेसिंग कर देंगे और किसान का ट्रैक्टर लग रहा है उसमें सरसों डाल देंगे और इसके बदले में ये तूड़ी है, इसे आप भूसा बोल सकते हैं सरसों का या खाखला, बहुत सारे नामों से जानते हैं इसको, स्ट्रा बोल सकते हैं आप, तो इसको लेके जाएंगे ये और अपना सरसों निकल जाएगा। इसके तूड़ी के बदले में यहाँ पर जो थ्रेसिंग कर रहे हैं, और आप अलग से निकलवाना चाहते हो तो भाई 1000 रुपये घंटा ट्रैक्टर वाले लेते हैं थ्रेसिंग के, और 60 रुपये घंटा एक मजदूर लेता है, तो यहाँ पर 7 से 8 मजदूर चाहिए इसके अंदर। और अभी जो इसका रेट है वो 1 बीघे का 1500 रुपये दे के जा रहे हैं इस तूड़ी का, ये आप देख सकते हैं भूसा होता है सरसों का, इसके दे के जा रहे हैं। तो किसान भाई के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके बदले में यहाँ सरसों निकाल रहे हैं, बाकी ट्रैक्टर वाले कुछ नहीं लेंगे यहाँ से, और निकालने के बदले में ये आप देख सकते हैं कि भूसा लेके चले जाएंगे, तो काफ़ी फ़ायदा है किसान को भी और मशीन और मजदूर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आसानी से निकाल देंगे। सिर्फ किसान तो सिर्फ ट्रैक्टर लेके आए हैं उसमें सरसों डाल रहे हैं, उधर आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर इसको हम स्वयं निकाल के बेचते हैं तो 1500 रुपये बीघा देते हैं, अगर हम चाहें तो सरसों की कटाई करके इकट्ठा कर दें, तो ये तूड़ी वाले स्वयं ट्रैक्टर मशीन और मजदूर लेके आते हैं और निकाल के चले जाते हैं और तूड़ी लेके जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप तूड़ी नहीं बेचना चाहते और खेत के अंदर फैला के इसमें प्लाव निकाल दे तो काफ़ी अच्छा आपके सोइल के लिए उपजाऊ ये खाद के रूप में कार्य करेगा। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।